राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक सरकारी अस्पताल में एक महिला की मृत्यु हो गई। चार बच्चों की इस महिला की मृत्यु अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते हो गई, ऐसा आरोप परिजन लगा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले जोधपुर में भी इस तरह की घटना देखने को मिली, जहां पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई की एक निजी अस्पताल की लापरवाही के चलते जान चली गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब निजी अस्पताल ने ऑपरेशन किया, इसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ गई, बाद में उन्हें अहमदाबाद रेफर किया गया। अहमदाबाद रेफर करने के बाद 10 दिन के बाद भी वो रिकवर नहीं कर पाई, इसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा ही कुछ मामला आज बाड़मेर में देखने को मिला, जहां पर चार बच्चों की माँ जिनकी अस्पताल प्रशासन के लापरवाही के चलते जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग कर्मियों और अस्पताल प्रशासन को बार बार चेताया गया, बार बार मिन्नतें की गई, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। इसी के चलते लापरवाही और इग्नोरेंस के चलते उस महिला की जान चली गई। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से कार्य किया, इलाज किया, लेकिन महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, इससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक जो महिला है उसका एक बेटा रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है और वह मिन्नत करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ तक कि कहता हुआ नजर आ रहा है कि कल आप लोग कहाँ थे जब मेरी माँ को इलाज की आवश्यकता थी। यह वीडियो देखिए आप। प्रदेश में लगातार अस्पतालों की लापरवाही के कई केस सामने आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ केस इस केस में भी देखने को मिला है। अब इस केस में लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। बाड़मेर के तमाम विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो अस्पताल पहुंच रहे हैं और इस मामले में अब अस्पताल प्रशासन को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि महिला को कल देर रात लाया गया था, बार बार मिन्नतें की गई इलाज के लिए, लेकिन सही ढंग से जांच नहीं की गई, इसके बाद में महिला की मृत्यु हो गई। अब जिस तरह की यह वीडियो सामने आया है, इसमें सीधा सीधा साफ प्रतीत होता है कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की गलती सामने आ रही है। हालांकि जोधपुर में जिस तरह की घटना हुई, उसके बाद में SDM प्रियंका बिश्नोई के केस को लेकर कमेटी गठित कर दी गई, लेकिन क्या बाड़मेर में जिस तरह की घटना हुई और एक 50 वर्षीय महिला जो चार बच्चों की माँ थी, जो मोलर प्रेगनेंसी की बीमारी से ग्रसित थी और उसके DNC करवाना था, DNC कराने के लिए जांच भी की गई थी, इसके बाद में जब DNC से पहले जब करने ही वाले थे तो उससे पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी
जो है जान चली गई, ऐसे में क्या प्रशासन, क्या सरकार इस पूरे मामले को लेकर कोई कमेटी गठित करेगी? क्या अस्पताल प्रशासन के जिन डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई होगी? यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, TV9।